नामशिम फॉरेस्ट नर्सरी के नजदीक तक्षु थुंगसा में भारी भूस्खलन की वजह से पोंगडो होकर मंगन गंगटोक जाने वाली सड़क बंद पड़ गई है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। सड़क पर से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन सड़क को पूरी तरह साफ होने में अभी कुछ और समय लगेगा। सरकारी इडन लॉज की रखरखाव करने वाले काजल घोष नामक व्यक्ति को एक साल पहले जामपुई जिले के जंगल से शल्य का एक बच्चा मिला था। उस बच्चे को वह घर ले आया था। इस एक साल में उसने शल्य के बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की। अब दूर दूर से आए पर्यटक इस शल्य को देखने आते हैं। काजल घोष ने वन विभाग से भी संपर्क किया है। वन विभाग जल्द ही इस शल्य को अपने जिम्मे में ले लेगा। एक बछर आगे बिकेल बेला घूरते बेरिये छिलाम, तखन ओर ओर मार सुखे छिलो, ओके रास्ता थेके कुरिये निलाम। নিয়ে এক বছর আগে ওখানে রাখলাম, ওকে আমরা কলা বিস্কিট দুধ খাইয়ে বড় করেছি। এখন এক বছর হয়ে গেছে, ওকে এখন সুমন নামে একজন আমার স্টাফ আছে, ও সকাল বিকাল ওকে খাওয়ার দিচ্ছে। ওকে ছাড়লেও এখন আর আমাদের এখান থেকে যায় না। আর টুরিস্টদের একটা একটা অ্যাট্রাকশন হয়ে গেছে, টুরিস্ট আসলেই ওকে দেখতে আসে সবাই, ওটো টোটো নিয়ে যায়। এই এইভাবেই চলছে ওর জীবন। भूगर्भीय इतिहास में हम पूरी तरह से एक नए युग में जी रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने मेघालयन एज कहा है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस युग की शुरुआत एक बार दुनिया भर में आए सूखे में मानव सभ्यता के नष्ट होने के बाद करीबन 4200 साल पहले हुई थी। भूगर्भीय विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने नए युग का वर्गीकरण करते हुए होलोसीन को तीन अलग अलग उपखंडों ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रीपियन और मेघालयन में विभाजित किया है। नव परिभाषित समय के फ्रेम अब सभी आधिकारिक चार्टों पर प्रदर्शित होंगे, जो पृथ्वी के भूगर्भीय अतीत को दर्शाते हैं। मेघालय राज्य में एक स्टालागमाइट के रासायनिक उपादानों का अध्ययन करते समय मेघालय का सबूत मिला था। They also studied all the evidences and they unanimously means there is no doubt that there is a age, a new age which starts from 4200 years back. Now, so what they did, the Holocene, which was divided into two parts, early and the late Holocene, now it is divided into three parts. Early Holocene is the same, which starts from 11,300 years. Then the Middle Holocene, which starts from 8,700 years. And then this Middle Holocene ends at 4,200 years. And after that, the Late Holocene starts, and which is it starts from 4,200 years to the present, to the zero. Yes. त्रिपुरा के विशालगढ़ सब डिवीजन के अंतर्गत सिपाहीजला अभयारण्य के एकमात्र बाघ की मृत्यु हो गई है। पिछले 20 दिन से इस बाघ का स्वास्थ्य खराब था। दीपू नामक बाघ का जन्म वर्ष 2003 में चंडीगढ़ में हुआ था। वर्ष 2006 में दीपू को सिपाहीजला चिड़ियाघर में लाया गया था। वर्ष 2016 में दीपू के साथी चिली की मौत हो गई थी, जिसके बाद पिछले 2 साल से दीपू सिपाहीजला अभयारण्य का एकमात्र बाघ था। 30 जून को वह बीमार पड़ गया और आखिरकार उसने जिंदगी से हार मान ली। चिड़ियाघर के सूत्रों के मुताबिक भीषण गर्मी की वजह से दीपू का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। वहीं चिड़ियाघर प्रबंधन की लापरवाही को बाघ के मौत की वजह माना जा रहा है। पिछले 10 दिन से दीपू ने खाना पीना भी छोड़ दिया था।
कल संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया था। राहुल गांधी के इस आश्चर्यजनक आचरण की वजह से जहां बीजेपी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हैं। उनका कहना है कि किसी को गले लगाना या उसके पैर चूना भारतीय संस्कृति है। मोदी सभी के दिलों में बसते हैं, इसलिए राहुल गांधी के इस आचरण को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मेरा कहा राहुल गांधी कहा मैं छोटा आदमी हूँ, उसके रिएक्शन को तो प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि और राष्ट्रीय नेता को पूछना चाहिए। जहाँ तक मैंने टीवी में देखा वो तो मैं कहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करता है वो भी मोदी के दिल में है, जो प्यार करता है वो भी दिल में है। मैंने काल भी आम्बासा में कहा, जो प्यार भी दिल से होता है मोहब्बत भी दिल से होता है। नरेंद्र भाई मोदी को 125 करोड़ लोग ही मानता है, सबके दिल में है। वो कोई प्यार करता है कोई नफरत करता है, तो नफरत करने वाले भी दिल में ही जगह देता है नरेंद्र भाई मोदी। कल वो दिखा, वो प्रैक्टिकली हुई, तो ये तो अच्छा है।